Welcome back friends. Today we are going to start exercise 2.2. देखिए क्वेश्चन नंबर 9. Write in simplest form tan inverse x divided by under the square root a square minus x square where modulus x is less than a. जैसे कि मैंने आपको बताया है tan inverse x by root a square minus x square. जैसे मैंने बताया स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, जहां पे भी आपको अंडर द रूट स्क्वायर ए माइनस एक्स की स्क्वायर दिखाई दे जाए पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा. बता रखा मैंने और प्लस आ जाए पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कोट थीटा और माइनस हो ए साइन थीटा या ए कोस थीटा. ठीक है पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा. जैसे कि मैंने बताया हमारा वेरिएबल एक्स था पहले, अब थीटा बनने जा रहा है, थीटा में चेंज हो जाएगा. ये थीटा हमें निकालना है. पहले ये हो गया हमारा एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा. साइन लेफ्ट की तरफ आएगा तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू थीटा. ये समझ में आ गया भाई. करें दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी हमारी, लेफ्ट हैंड साइड नहीं सॉरी, ये हमारा जो फंक्शन दिया हुआ था ये क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस एक्स की स्क्वायर. एक्स हमारा क्या ए साइन थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ध्यान से देखें ए साइन थीटा स्क्वायर को बना रहे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा. दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा अंडर द रूट ए की स्क्वायर क्या हो गया कोस स्क्वायर. दिस इज टेन इनवर्स ए साइन थीटा. अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे एक ही जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट ए आ जाएगा और कोस स्क्वायर का क्या आ जाएगा कॉस थीटा. ए से कैंसिल तो क्या गया टेन इनवर्स साइन थीटा बाई कोस थीटा इसके इक्वल होता भाई टेन थीटा के. आपको मैंने बताया है टेन इनवर्स टेन थीटा इसके इक्वल होता है थीटा के. सिंस टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल होता है इनवर्स ऑपरेटर होते हैं कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल करके नहीं दिखाना. थीटा आ गया हमारा प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी कौन सी है टेन इनवर्स इनटू टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स. ये तब होता है जब एक्स हमारा किस में है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में लाई करती है. और जो हमें ये कंडीशन दी होती है जो कंडीशन वैसे क्वेश्चन में जहां पे भी कंडीशन लिखी होती है उसको आपने ध्यान नहीं देना है, उसकी तरफ ध्यान देना सिर्फ फंक्शन की तरफ ध्यान देना है. उसका ये है हमारा कि x इज इक्वल टू a sin थीटा पुट किया है. अगर हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे x हमारा यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो कहां से कहां आएगी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आएगी. इट मीन्स थीटा आ गया, थीटा देखो क्या है हमारा साइन इनवर्स x बाई a. देखो कुछ पूछ रहे हैं ठीक है. अब नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म. ये फंक्शन दिया हुआ है हमें, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. हमने x को एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना है कि अंदर का जो ब्रैकेट का जो फंक्शन बने वो 10 में बने, 10 का फॉर्मूला बन के आए. अब हमें x क्यूब है तो हमें याद हो टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा. टेन क्यूब आता है वहां पे तो आइडिया मिलेगा आपको उठ एक्स इजल टू ए स्क्वायर में तो एक्स इजल टू ए टेन थीटा. ये पुट करेंगे आप तो दिस इंप्लाइज एक्स बाई ए इजल टू टेन थीटा और थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई ए.
अब पुट करें tan इनवर्स 3 a स्क्वायर, x कितना मेरा a tan थीटा, x क्यूब इसका क्यूब करेंगे x का क्या हो जाएगा a क्यूब tan की क्यूब थीटा डिवाइड बाई a क्यूब माइनस 3 a इंटू x की स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब देखें यहां पे a क्यूब ये हो गया हमारा 3 a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, a क्यूब माइनस 3 a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब a क्यूब कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में भी हमारा a क्यूब कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी हमारा a क्यूब कॉमन आ रहा है, तो tan इनवर्स a क्यूब हमने कॉमन ले लिया तो ये बचा हमारे पास 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा, a क्यूब कॉमन आ गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या है हमारे पास tan इनवर्स a क्यूब कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला आता है भाई ये, किसका फॉर्मूला आता है tan 3 थीटा का, और tan इनवर्स tan x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है, पहली बार कर चुके हैं हम 3 थीटा, देखो हमारा tan इनवर्स x बाई a, ये आ गई, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1 बाई 2। देखिए इसकी हमने वैल्यू निकालनी है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट भी है, tan इनवर्स 2 cos, पहले देखिए कोस के बाद ये लगा हुआ है हमारा ब्रैकेट में, ये एंगल बनेगा, इसको सॉल्व करना है ब्रैकेट में, पहले इसको सॉल्व करें, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1 by 2, आपको 1 by 2 देखना sin के किस एंगल की वैल्यू होती है, 30 की होती है, समझ आ गया, अगर देखो sin इनवर्स 1 by 2 इसका मतलब है 1 by 2 sin के किस एंगल की वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है, वो लिखना, बस एंगल लिखना है, tan इनवर्स 2 cos, अभी इसका एंगल है यहां पे कैंसिल होगा, कितना आ गया पाई बाई 3, और cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है भाई cos 60, 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया tan इनवर्स 1। अब बताएगा कोई tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स 1 यानी कि tan के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, वो लिखना एंगल हमने पाई बाई 4 की, 45 की होती है, इसका आंसर आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 4। सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot tan इनवर्स a + cot इनवर्स a, मैं आपको प्रॉपर्टी रिमाइंड करवा देता हूं, sin इनवर्स x + cos इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, cosec इनवर्स x + sec इनवर्स x भी पाई बाई 2 होता है, और tan इनवर्स x + cot इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी मैंने पाई बाई 2 की बताई है, तीन होते हैं sin इनवर्स का cos इनवर्स के साथ, कोसेक इनवर्स का सेक इनवर्स के साथ, टेन इनवर्स का कोट इनवर्स के साथ पाई बाई 2 होता है, तो यहां पे हमारा कॉट इसकी वैल्यू निकालनी है, टेन इनवर्स 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स a। अब देखें मैंने भी बताया टेन इनवर्स x + कोट इनवर्स x पाई बाई 2 होता है, और कोट पाई बाई 2 की वैल्यू कौन बताएगा भाई, क्योंकि टेन पाई बाई 2 तो इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो जीरो हो जाएगा, हमने क्या यूज किया सीन्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सॉरी cot इनवर्स x, ये रियल वैल्यू सेम होनी चाहिए, इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है पाई बाई 2 के, इस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है, tan इनवर्स का cot इनवर्स के साथ, sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स भी पाई बाई 2 होता है, और sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स भी पाई बाई 2 होता है। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 बाई 2
ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस y स्क्वायर, जो वहां पे लिखा होता है ना इसको आपने नहीं देखना, इसको मतलब इसका इसका मैटर यही होता है कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस x की स्क्वायर होता है अंडर सम कंडीशन होता है, साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस x की स्क्वायर होता है वो जो कंडीशन होती है उसका फॉर्मूला होता है हमारा उसी में होता है, अदरवाइज उनको जितने भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये अंडर x बिलोंग्स टू दिस क्लोज इंटरवल आपको उसको मैटर करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब ध्यान दें, tan 1 by 2 sin inverse 2x by का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है ध्यान दें इधर, 2 tan inverse x के तीन फॉर्मूले होते हैं, एक sin inverse में होता है, एक cos inverse में होता है, tan inverse में होता है। sin inverse में होता है 2x over 1 plus x की स्क्वायर, cos inverse में होता है 1 minus x की स्क्वायर 1 plus x की स्क्वायर, और tan inverse में होता है 2x over 1 minus x की स्क्वायर। अब देखो sin inverse 2x, 2 tan inverse x, और cos inverse, अब ये y में है तो 1 minus y स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2 tan inverse y बन जाएगा, तो tan 1 by 2, 2 आ गया कॉमन हमारा, tan inverse x plus tan inverse y, तो tan 1 by 2 multiply 2 tan inverse x plus tan inverse y का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, क्या होता भाई देखो tan के साथ जितना ही लगा हुआ ना सारा ही एंगल है इसका, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो tan tan inverse x plus tan inverse y का फॉर्मूला लगाएंगे क्या होता है tan inverse x plus y 1 minus x into y, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है कौन सा कि tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y 1 minus x into y, और ये फॉर्मूला तभी लगता है जैसे कि मैंने आपको बताया था xy is less than 1, ये फॉर्मूला तभी लगता है ये xy less than 1 होगा, इसलिए देखो ये दिया हुआ xy is less than 1, वही फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो tan tan inverse x किसके इक्वल होता है x के इक्वल होता है ना, तो x plus y 1 minus xy, ये आ गया हमारा इसकी वैल्यू, ये आ गया हमारा आंसर, जो हमारा फंक्शन था उसकी वैल्यू कितनी आ गई x plus 1 1 minus x into y आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इफ sin ऑफ एंगल sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equal to 1 then find the value of x, 1 marks का क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया आपका क्वेश्चन, देखिए इधर sin sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equal to 1 दिया हुआ है, तो आपको मैंने बताया है अगर sin x is equal to y हो तो x निकालेंगे तो क्या बन जाएगा sin inverse y, ये पूरा एंगल x है ये, तो sin राइट साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा sin inverse बन जाएगा, sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equal to sin inverse 1, समझ आ गया भाई, sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x, अब मुझे कौन बताया sin inverse 1 की वैल्यू क्या होती है, यानी कि 1 sin के किस एंगल की वैल्यू होती है 90 की होती है, या एक्सरसाइज 2.1 में कर चुके हो अच्छी तरह से, this implies sin inverse 1 by 5 is equal to pi by 2 minus cos inverse x, so this implies pi by 2 minus sin cos inverse x क्या होता है, अब यहाँ पे identity लगाई हमने sin inverse, मैंने इससे पहले question में भी बताया था sin inverse का cos inverse के साथ sum pi by 2 होता है, sin inverse x plus cos inverse x कितना होता है pi by 2, तीन होते हैं sin inverse का cos inverse के साथ, cosec का sec inverse के साथ, और tan inverse का cot inverse के साथ, तो यहां से pi by 2 minus cos inverse x क्या हो जाएगा sin inverse x, आपको पता है 1 1 फंक्शन होते हैं sin inverse इधर भी है sin inverse इधर भी है, तो x क्या होगा 1 by 5, क्योंकि मैं आपको बता दूं थोड़ा डिटेल में आप उसके देखेंगे स्टार्टिंग का लेक्चर देखेंगे, ये अगर हमारा sin 1 1 फंक्शन होता है हम इसको 1 1 बनाते हैं इनवर्स इमेज करें ठीक है,
तो साइन इनवर्स भी वन वन फंक्शन होता है, तो वन वन फंक्शन होता है इसलिए दोनों तरफ साइन इनवर्स है, तो इनकी वैल्यूज भी सेम होगी, x = 1/5, ये आंसर आ गया।